इस समय 6:30 हो गए, 1 घंटा हो गया सर हमें ट्रैफिक में फंसे हुए, हमारा काम वाम कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा इतना बुरा हाल है इस समय। भैया ऑटो वाले बाबू जाने दो यार, चलो ने चलो, क्या आंखें बोलती हैं अब तो तुम चलो। क्या कह रहे हो? हाँ कैमरा ऑन है भाई, क्या नाम है? अजय। चलो भाई फोटो खींचे, भाई चालान वालान तो नहीं कटवा दोगे ना? नहीं पुलिस वाले भी तो फोटो ही खींचते हैं। तो यही गई हो लखनऊ गई हो? अच्छा किसको बता रही है यार, हमें इनके साथ जाना है। अरे बाप रे इतने सारे बच्चे, सब ऑटो सब पकड़ने खड़े हैं क्या इतने सारे लोग? ये भाई आज तो मैं आज ऑटो पकड़ के रहूंगी या रहूंगा। अरे बाप रे ये देखो, अरे देख रहे हो भाई कितना तगड़ा जाम है यार। आजकल के लोग ना इतने प्रो हो गए हैं, है ना, उनको अब देखने की जरूरत नहीं पड़ती है ट्रैफिक कहाँ है ट्रैफिक कहाँ नहीं है, वो लोग सूंघ के बता देते हैं। यहाँ पर सिग्नल का पता नहीं भैया कोई भरोसा नहीं है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस लोग जो है वो खड़े हैं खड़े नहीं हैं। अबे ये कौन सा सिग्नल था? वो लग रहा है जो सिग्नल जो चला रही थी वो है ना वो भी गए। अरे भैया रहन दो भाई, आज तो सही में आज ना मेरा खून हो गया। अगर मैं अगर मोटिव लोग अगर नहीं कर रहा होता मेरा दिमाग खराब हो चुका होता अब तक। इस समय 6:30 हो गए, 1 घंटा हो गया सर हमें ट्रैफिक में फंसे हुए, हमारा काम वाम कुछ हुआ नहीं। मैंने सोचा इतना बुरा हाल है इस समय। सर ये भी ऑफिस टाइमिंग है, एक रात वाली एक ऑफिस टाइमिंग होती है। भैया ऑटो वाले बाबू जाने दो यार। अरे भैया आज वेडनेसडे तो नहीं है ना? चलो नहीं है, आज नॉर्मल दिन है और नॉर्मल दिन के दिन यहाँ पर इतना ट्रैफिक लग रहा है पता नहीं क्यों। और आम आ गए भाई, देख रहे हो ना इतने सारे आम यहाँ पर रखे हुए हैं। अच्छा किस्मत की बात देखो, मैं आम खाता नहीं हूँ, मुझे आम पसंद नहीं है, है नहीं तो अगर किसी को अगर पसंद हो ना भाई वो एकदम तुरंत लपक ले इतने सारे आम। चलो ने चलो, क्या आंखें बोलती हैं अब तो तुम चलो। देखो बड़ा जल्दी याद आ गया, इनका चलान इनका कैसे नहीं कटा सर? अच्छा हाँ नंबर प्लेट है तो कम से कम। बहुत लोग तो यहाँ पर बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। मैं हमेशा मैं इस तरफ आने के लिए मैं पूछता हूँ ना कि भैया आज बुधवार है या नहीं, क्योंकि ये जितना तुम लोग इस समय खाली देख रहे हो ये घंटा खाली नहीं होता है कभी भी, कितना खाली नहीं होता है। ये वाली पूरी जगह पूरी बेसिकली भरी रहती है ना बुध बाजार के चक्कर में। जैसे ये जैसे दुकानें जैसे लगी हुई है ना वैसे यहाँ पर एकदम खचाखच दुकानें लगी रहती हैं। अरे कैसे क्या कहाँ क्या जाना चाह रहे हो बे? अरे बच्चा देखो वे कितना गोल मटोल बच्चा है ना, लड़की लग रही है, सही थी क्यूट लग रही थी बच्ची। आओ आगे बैठ जाओ। पता नहीं यार लोगों को समझ में नहीं आता है बिना हेलमेट के क्यों चलते हैं, क्या एक्सीडेंट का इंतजार करते हैं क्या? जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक हम मानेंगे नहीं सर, है ना, चाहे जितना ही पुलिस चला। अच्छा पुलिस की गाड़ी है तभी तो हेलमेट नहीं पहना हुआ है, नॉर्मल गाड़ी होती तब तो हेलमेट पहन के ही चल रहा होता। आई एम रियली सॉरी गाइस, मैं बहुत देर के लिए मैं शांत हो गया था, है ना, हम लोग आगे आ चुके हैं बिना मोटर व्लॉगिंग करते करते। हाँ तो गाइस इस समय ना शाम के समय 7 अभी लगभग बजने वाले हैं और 7 बजे कितना जाला रहता है यार। अगर यही चीज अगर ठंडक का होता ना, ठंडक के मामले में भाई तब तो एकदम अंधेरा तो 5 ही बजे हो जाता है ठंडक में। अरे 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 साइकिल वाले को तो टक्कर मार दे भाई, मतलब अभी ये वाला जो ऑटो वाला था वो उस वाले साइकिल वाले को अगर टक्कर मार देता मैं ऑटो वाले के साइड में होता, क्योंकि साइकिल वाला जानबूझ के आगे घुस रहा था, देख रहा था भैया ट्रैफिक आ रहा है लेकिन नहीं भैया मैं तो जाऊंगा, मैं तो साइकिल वाला हूँ, बड़ी गाड़ी के ऊपर मैं इल्जाम लगा दूंगा उसको, कम से कम उसको सबक तो मिलता ना, कैसे गधों की तरह ऐसे नहीं चलाते हैं। जाने दो अंकल जाने दो। यो इतने सारे पुलिस वाले, अच्छा दो ही है, होते हैं यार सब, है ना, मूर्खों की तरह सब गाड़ी चलाएंगे। पूछो कि भैया मूर्खों की तरह गाड़ी क्यों चला रहे, फिर क्या हमारे बाप की मर्जी, हमारे बाप की रोड है। भाई साहब सही में यार मेरा ना पिछवाड़ा में दर्द हो गया यार, है ना, बैठे बैठे यहाँ पर, मतलब जाम की बात अलग होती है यार, जाम में थोड़ा दिमाग लगता है, थोड़ा इधर उधर बाइक को मैनेवर करना पड़ता है ना, तो इंसान थक जाता है। अगर यही चीज अगर लॉन्ग डिस्टेंस अगर हो रही होती तब भाई तब कोई दिक्कत नहीं है,
वो सामने भाई फोटोबाजी चल रही है, मैंने सेल्फी लेना जो है वो जरूरी है। भाई मैं थक गया यार बहुत देर। ऑलराइट गाइस, भूतनाथ मार्केट जो है वो आ चुका है, मतलब हमारा घर जो है वो आ चुका है। तो अभी मैं अभी क्या करता हूँ, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यही पर खत्म, और अब मैं तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। सो चलो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको दबा देना, और अगर कोई भी सुझाव हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है उस पे जाके लिख देना। चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर ही खत्म, और अब मैं तुम लोगों को मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइस, बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो।